कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने अलायंस किया है, मैं इसको अपवित्र अलायंस मानता हूँ। उनके दिमाग में शायद ये होगा कि इनकी टिकट वोटें हमें ट्रांसफ़र हो जाएंगी, तो काम पहले करना पड़ेगा, बाद में उसकी सिफारिश लगेगी। दो फैसले लेने थे, या घर बैठना था तो पार्टी ज्वाइन करनी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेंद्र दत्ता, आप देख रहे हैं अर्थप्रकाश टीवी। दोस्तों, जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आ रहे हैं, दल बदलने का जो सिलसिला है ये लगातार जारी है। आज भी चंडीगढ़ कांग्रेस को एक बहुत बड़ा झटका लगा है। चंडीगढ़ कांग्रेस के पूर्व मेयर, पूर्व प्रधान सुभाष चावला जी आज कांग्रेस पार्टी को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं। आज कमलम में उनका स्वागत, यहाँ के उम्मीदवार संजय टंडन, यहाँ के प्रधान जेपी मल्होत्रा जी, उनके द्वारा किया जा रहा है। आइए देखते हैं क्या कारण रहे हैं इसके पीछे कि वो आज कांग्रेस पार्टी को, जिसमें वो कई बड़े अहदों पर रहे हैं और पिछले लगभग 40-45 साल से वो कांग्रेस के वर्क कर रहे हैं, ऐसे क्या कारण रहे हैं कि आज वो कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने जा रहे हैं। आइए अंदर जानते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाके, जहाँ पर वो आज भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं, क्या ऐसे रीज़न हैं जिस वजह से वो आज भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन करने जा रहे हैं। तो आइए चलते हैं। चावला साहब, आप कांग्रेस में बहुत बड़े बड़े अहदों पर रहे हैं, एक बड़े लंबे अरसे से आप कांग्रेस के साथ जुड़े हैं, तो ऐसे क्या रीज़न रहे हैं कि एकदम से आपने पार्टी बदलने का डिसीज़न ले लिया? बड़ा मुश्किल होता है 48-49 साल की राजनीति में एक पार्टी के साथ बंधे हों और पार्टी ने भी बहुत कुछ दिया है, ऐसा फैसला बहुत भारी मन से करना पड़ता है। लेकिन जब आदमी को लगे कि अब इस फैसले को बदलने के अलावा कोई चारा नहीं है, तो ऐसे डिसीज़न लेने पड़ते हैं। सबसे बड़ी बात तो ये थी कि पिछले दिनों जो चंडीगढ़ में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने अलायंस किया है, मैं इसको अपवित्र अलायंस मानता हूँ, क्योंकि 2.5 साल पहले नगर निगम के चुनाव हुए, भाजपा और कांग्रेस आपस में लड़ती है, तो ये इसको हम राइवल जो मानते हैं, विचारधारा की लड़ाई मानते हैं हमेशा। आम आदमी पार्टी ने हमारे खिलाफ़ चुनाव लड़ा, हमारी पार्टी का नुकसान किया, भाजपा की जितनी सीटें थी उतनी आई, हमारी अगर कम हुई तो उसकी जिम्मेवार जो है आम आदमी पार्टी। और दूसरी बात यह है कि उन्होंने कोई साफ़ सुथरा चुनाव नहीं लड़ा, हमारे ऊपर एलिगेशन लगाए, हमारी सीनियर लीडरशिप पे एलिगेशन लगाए, और आज से नहीं लगा रहे, जब से अन्ना हजारे मूवमेंट चली है देश में भी अगर कांग्रेस कमज़ोर हुई है तो उसका जिम्मेवार मैं मानता हूँ आम आदमी पार्टी। क्या कारण है आज कि हमारी लीडरशिप को दिल्ली में भी और चंडीगढ़ में ये समझौता करना पड़ा? ये जो कोई भी कांग्रेस का सही कार्यकर्ता वो इसको हजम नहीं कर पा रहा, और मैं उन नेताओं में से रहा हूँ या उन वर्कर में रहा हूँ कि जो चीज़ मेरी आत्मा ना मानती हो मैं उसकी तरफ जाता नहीं। आज मेरी आत्मा नहीं मान रही थी कि अलायंस की मीटिंगों में जाऊं, जहां उनके लीडर बैठे हों, जहां उनका बैकड्रॉप लगा हो, जहां उनकी फ़ोटो लगी हो, क्योंकि मैं हमेशा ज़िम्मेवार मानता हूं, मैंने तो प्रेजिडेंटशिप कुर्बान की है, अगर सीटें ज़्यादा आ जाती तो मेरी प्रेजिडेंटशिप ना आ जाती। तो आज अगर वो सोचेगी कि उनको अब इसकी ज़रूरत है तो मेरी आत्मा नहीं मानती, एक तो सबसे बड़ा कारण ये है। दूसरा कारण ये है कि पिछले 10-12 साल से एक तलाश थी एक अच्छे MP होने वाले MP की, और जो संजय टंडन जी मेरे साथ रहे हैं, हम बावजूद अलग अलग पार्टियों के होते हुए हमारे बड़े मधुर संबंध रहे हैं, कई प्लेटफॉर्मों पे ये भाजपा को रिप्रेजेंट करते थे, मैं कांग्रेस को करता था, लेकिन हमारे वहाँ पे भी ट्यूनिंग इतनी बढ़िया होती थी, क्योंकि मेरे मन में भी और इनके मन में तो मेरे से ज़्यादा एक इच्छा होती थी कि हम वो काम में मिल के करें जिसमें चंडीगढ़ की जनता का फ़ायदा हो। तो मुझे लगता था कि आज समय आ गया है, एक तो मेरा उधर से मन उठा हुआ था पहला रीज़न, दूसरा ये था कि या तो घर बैठ जाएँ, भाई आप छोड़ने काम बहुत हो गया, या फिर चंडीगढ़ के लोगों की भलाई के लिए एक अच्छा MP थे। तो मैं सोचता कि कुछ ना कुछ संजय जी की जीत में कंट्रीब्यूशन करना चाहिए। पवन बांसल को टिकट ना मिलना आपकी पार्टी बदलने का कारण तो नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा नहीं है। पवन बांसल जी से मेरे बहुत मधुर संबंध हैं, हाँ टिकट ना मिलने का थोड़ा सा दुख जरूर हुआ था, लेकिन उसको मैं बड़ी बात नहीं मानता, क्योंकि हमारी पार्टी में अक्सर ऐसे फैसले होते हैं। लेकिन जिस ढंग से टिकट उनको नहीं दी गई, क्योंकि मैं बंसल जी को जानता हूँ, वो इतना ऊपरे लेवल के लीडर हो चुके थे, उनको टिकट मांगने की जरूरत नहीं, शायद उनके मन में गुस्सा है कि अगर इस तरह का कोई फैसला लेना था तो मुझे शुरू में बता देते, आखिर तक किसी आदमी को ये कहें, और इतने बड़े लीडर को जिसने सैकड़ों टिकटें दिलवाई हों देश में, उसको अगर यहाँ तक आखिर तक आप भर में रखें कि जी आपकी टिकट आप तैयारी करो और बाद में एकदम से काट दे, तो कोई भी हो उनकी जगह उनको थोड़ा दुख होता है। काफ़ी लंबे समय से कंपेन चल रहा है, आप कंपेन में कहीं नज़र नहीं आए, बंसल साहब कंपेन में नज़र नहीं आए, आप नॉमिनेशन में नज़र आए, लेकिन उसके दूसरे दिन आपने पार्टी बदल ली, मतलब ये कोई मतलब प्लान था पहले से या एकदम से डिसीजन हुआ सारा? मैंने पहले कहा कि मैं
फैसला नहीं ले पा रहा था। कई दिन से मैं इसी सस्पेंस में था कि क्या करें। मेरे सामने दो ऑप्शन थी, या तो मैं अब घर बैठ जाऊं। कारण सबसे बड़ा था कि मैं उस अलायंस के प्लेटफार्म पर नहीं बैठना चाहता था, और इसीलिए मैं बैठा भी नहीं। आप कहीं नज़र भी नहीं आए होंगे आपको मेरी, क्योंकि मुझे मैं उनका झंडा देखता था, उनका फ़ोटो देखता था, बैकड्रॉप देखता। मैं कहा ये तो हैं आदमी हमें बर्बाद करने वाले, आज इन्हीं के साथ हम बैठ जाएं। ये मेरा साथी बैठा सबसे पुराना, ये जितनी वोटों से हारा है उतनी वोट ही आम आदमी पार्टी ले गए ना, और वोट बैंक उन्होंने हमारा ख़राब किया सारा। तो इसलिए मैं कंपेयर में नहीं आ रहा था। हाँ, जो मैं कल गया शायद वो मेरी रणनीति का हिस्सा मान लिया। अच्छा, आपके जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनके ऊपर बड़े सारे आरोप लगते रहे पिछले दिनों, और आप एक दिग्गज नेता होने के बावजूद आपने कभी भी उसके बारे में कोई टिप्पणी नहीं की। पार्टी के अंदरूनी प्लेटफार्म पे मैंने सारी बातें करता था, क्योंकि मैं इस पार्टी में बहुत साल रहा हूँ तो मैं जानता हूँ इस पार्टी की कार्यप्रणाली में। बाहर बोलने से, मीडिया बोलने से हल नहीं निकलते, ये हल कौन निकालता है? जब दो भाई लड़ते हों तो फैसला कौन करता है? बाप दादा। हमारे पार्टियों के बाप दादा कौन होते हैं? हमारी हाईकमांड। हाईकमांड ने जब आंखें मूंद ली इन बातों से, तीन बार राजीव शुक्ला जी चंडीगढ़ आए टिकट मिलने के बाद, तीनों बार प्रोटेस्ट हो रहे थे, लोग उनके बारे में कोई उल्टी सीधी बात। मैं कोई निजी टिप्पणी आज नहीं करना चाहता, लेकिन मुझे उम्मीद थी कि जो हमारे प्रभारी हैं वो सबको बुलाएंगे, भाई क्या आपके गिले हैं? तीन बार आए, तीन बार किसी मीटिंग में नहीं बुलाया, किसी को बुलाया नहीं, कोई किसी बड़े को नहीं बुलाया। बाद में मुझे पता लगा कि वो तो आए मैच देखने थे, आईपीएल में वो आईपीएल से जुड़े हुए हैं, तो तीनों बार मुल्लापुर में मैच थे, मैच देखा, घंटे दो घंटे के लिए चंडीगढ़ में आए तो दफ्तर के आगे निकल गए। तब मुझे लगा कि पार्टी कहीं गंभीर तो नज़र आए, अगर वो लोग नाराज़ हैं, और स्वाभाविक होता है जब परिवार बड़ा हो तो उसमें नाराज़गियाँ और होती हैं, तो बड़ों का तो काम था, उन्होंने ये जहमत ही नहीं उठाई कि हम इसको सॉल्व करने के लिए करें। तो ये सारी बातें मिलके एक सशोपंज रही मेरे मन में महीना डेढ़ महीने से, क्या फैसला लूँ। दो फैसले लेने थे, या घर बैठना था या पार्टी ज्वाइन करनी थी। पार्टी चंडीगढ़ में और है ही नहीं, ये मुझे अच्छा लगा कि मैं इस पार्टी में जाऊँ। सुभाष चावला अपने आप में बहुत बड़ा कद है, बहुत बड़े नेता हैं। सुभाष चावला चाहते तो वो इंडिपेंडेंट लड़के भी जीत सकते थे, फिर वही पार्टी क्यों जिसके साथ हमेशा वो लड़ते रहे जो उनके अपोजिशन में रही है? देखिए, हमारी सबकी जो औकात है या जो हमारी इम्पोर्टेंस है शहर में, वो पार्टियों की वजह से। इंडिपेंडेंट मैं कभी भी किसी हक में नहीं हूँ, किसी को कभी आज तक सलाह नहीं दी, और ना ही आज का जो इतिहास देख लें जो इंडिपेंडेंट है कोई बहुत ज़्यादा किसी पार्टी में डेंट डाल सके। ये चंडीगढ़ के था, यहाँ का वोटर बड़ा समझदार है, वो मेरे गुस्से को अपना गुस्सा नहीं मानेगा। वोटर ने क्या लेना मेरे गुस्से से? मेरा गुस्सा तो विदिन दी पार्टी होगा। तो इसलिए ना मेरे मन में, वैसे भी मेरे मन में आज तक कभी पार्लियामेंट की इच्छा ही नहीं, मैंने अपनी पार्टी से टिकट नहीं मांगी तो इंडिपेंडेंट क्या लड़ना था। तो सुभाष चावला के मन में अगर कोई इतनी ज़्यादा बातें थी पार्टी को लेके, पार्टी के जो अलायंस थे उनको लेके, तो क्या कभी जो ऊपर की जो उनकी कार्यकारिणी थी उसके साथ कभी बात करने की कोशिश की सुभाष चावला ने? बिल्कुल, हर मीटिंग में, जब भी मेरी मुलाकात मीटिंग में हुई है या बड़े लीडरों से हुई है, तो मैं बार बार अपोज करता था कि आप अलायंस मत करिए, ये अलायंस हमें नुकसान करेगा। उनके दिमाग में शायद ये होगा कि इनकी टिकट वोटें हमें ट्रांसफ़र हो जाएंगी। वोट कभी किसी पार्टी के साथ पूरी ट्रांसफ़र नहीं होती। अगर ट्रायंगुलर कंटेस्ट होता शहर में तो शायद कांग्रेस ज़्यादा अच्छी पोजीशन में होती। ये उनका कोई समझदारी वाला जो फैसला है वो नहीं है। क्या जो आपका आगे फैमिली है, मतलब बेटा है या आगे फैमिली है, क्या उसका फ्यूचर आप बीजेपी में देखते हैं या वो कांग्रेस के साथ जुड़ सकते हैं? देखिए, हमारे पारिवारिक जो संस्कार हैं, हमारे बच्चे हमेशा माँ बाप के आज्ञाकारी रहे हैं। हमने अपने पिताजी के बाहर जाके कभी कोई फैसला नहीं लिया। आज भी वो मेरे साथ आया तो मैंने उसको नहीं कहा आने के लिए, लेकिन मुझे पता कि मेरा बेटा आज्ञाकारी, जहाँ मैं जाऊँगा वहाँ जाऊँगा। आगे जो कैरियर बनाना है उसने अपनी मेहनत से बनाना है, मैं उसकी सिफारिश नहीं करूँगा। मैं तो यह कहूँगा कि जहाँ सोनकर टिकट मांगेगा वो भी मांगे, अगर दोनों में बेहतर लगेगा सोनकर से मेरे बेटा तो टिकट दे देना, वरना मत देना। अगर वो मेहनती नहीं होगा, काम नहीं करेगा, तो टिकट भी ले दूँगा तो हार जाएगा, काम करेगा तो जीतेगा ना। तो काम पहले करना पड़ेगा, बाद में उसकी सिफारिश लगेगी। भाई साहब सत श्रीकाल। सत श्रीकाल जी। की शुभ नाम अपना? सतेंद्र सिंह। सतेंद्र जी, किन्ना टाइम तो बीजेपी दे नाल हो तुसी? मैं तो बचपन तो ही हाँ। बचपन तो ही, मतलब 96 तो ला लो, मतलब बहुत शुरू तो तुसी बीजेपी दे नाल 96 तो। अज जो तुसी देख रहे हो कि कांग्रेस के बहुत सारे लीडर्स, बहुत सारे नेता पार्टी छड़ के इधर बीजेपी शामिल हो रहे हैं, की तुहानू लगता है भी उहदे नाल जिहड़ा बेसिक तुहाडा इंफ्रास्ट्रक्चर है, बेसिक जिहड़े लोग ने, जिहड़े पुराने वर्कर ने, की उन्हां नू कोई फर्क पेगा उस चीज़ दे नाल? नहीं नहीं, असीं तो स्वागत कर रहे हैं, बिकॉज सानू इह लगदा भी हर आदमी नू बीजेपी च आना ही आना है।
देखो जिवें चावला साहब ने गल कही है कि कितना कितने उन्होंने ये लग्या कि आम आदमी पार्टी जड़ी सी वो आके कांग्रेस के हावी हो रही थी उन्होंने लग रहा कि वो सिस्टम जो उन्होंने जो नहीं बन पा रहा कि तुम्हें नहीं लगता कि जो बाहर के लोग आएंगे और दिग्गज नेता आएंगे जो दूजी पार्टियां जो आएंगे और कितना कितने आके डिमांड करेंगे उन्होंने जिन्हें अहद्या वास्ते सारे हकदार हो तो की तुम्हें लगता उसमें कोई फर्क नहीं पेगा भाई। बीजेपी का हाजमा बहुत तकड़ा है और असी एक भावना बचपन तो काम करते भी सारा समाज साडा है और सारे साढ़े भी आने वाले और असं उन्होंने समान वाले हैं इस करके कोई ऐसी पोस्ट ये चीज़ा चीज़ों का कोई फर्क नहीं पैंदा। की लगता भी इस बार का जो तो इतने का समीकरण है वो किस तरह का हो सकता है क्योंकि देखो आप जो मर्जी कहीए लेकिन साढ़े ओपोजिशन कांग्रेस तो आम आदमी पार्टी इकट्ठे है तो इंडिया गठबंधन जोड़ा है होर बहुत सारिया पार्टिया ने उन्होंने सपोर्ट किया है तो कितना कितने लोग मैं जो देख रहा फसवीं टक्कर बन रही है कि तुम्हें की लगता कि समीकरण हो सकते हैं। इलैक्शन हमेशा भी जो भी होंगे हार्ड होंगे कभी भी इलैक्शन लाइट नहीं होंगे। मैं तो 96 तो डायरैक्ट इलैक्शन कई देख चुका कई मैं इलैक्शन चार्ज भी रहा सब कुछ रहा और कभी असं जीते भी हैं और कभी हारे भी हैं दोनों चीज़ा रही है और इस इलैक्शन के भी आप अपनी स्ट्रैटजी चल रहे हैं तो वो अपनी स्ट्रैटजी चल रहे हैं रब की कृपा रही तो आप जिता जोड़े मुद्दे है कई सॉल्व भी हुए हैं और जोड़े मुद्दे एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू ना जो करने हैं वो सारे असं कर ही रहे हैं और वो जो कुछ समय लगता बिकॉज यूटी करके कई चीज़ों पेंडिंग होंगे केंद्र तो होंगे वो सारे असं कर ही रहे हैं क्योंकि सरकार उपर अपनी हैगी तो वी आर डूइंग आवर बेस्ट।